अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कोरोना वायरस के चलते बढ़ते हुए केसों को देखकर लुधियाना प्रशासन ने सख्ती कर दी है। दुकानदारों और बाजारों में सोशल डिस्टेंस न रखने वाले लोगों और दुकानदारों के भी चालान काटे जा रहे हैं। हाँ जी मैडम, रखड़ी खरीदना है। हाँ जी सर, रखड़ी खरीदना है। ऐसी रखड़ी एडवांस ही खरीद रहे हैं ताकि जड़ी कुरियर करनी है या अपने भैन भरावान तक पहुँचनी चाहिए है। पहला जबाली जहाँ सा हुई ना जा पाए तो कम से कम असी रखड़ी तक पहुँचा सकी अपनी। बाकी अपने वालों तो पूरी कोशिश है कि असं पहले जा ही सकी, बट नहीं जा सकते तो अं कुरियर कर देंगे, पहुँच असी जावे। उन्होंने असं एडवांस रखड़ी तो खरीदना है भी सानू फ्रैश माल वधिया क्वालिटी क्वानिटी और हर तरह का डिजाइन मिल जाए। तो मैडम जिदा कि भैन भरा का जो त्यौहार है, एक पवित्र त्यौहार मनाया जाता, तो इन किस तरह तुम देखते हो तो की लोगों को की सुनेहा देना चाहोगे? सर भैन भरावान का रिश्ता तो अमुल्य है, पवित्र ही है, तो यह त्यौहार तो रुकना कोई नहीं। तो इस करके इस त्यौहार को तो असं मनाना ही है। जो असं मनाने फिर असं पूरी रीझा ना बनाइए, फिर इस करके असी रखड़ी तो खरीदनी है, जो बाकी का समान है तो चल ही जा रहे। तो जिदा कि कोरोना वायरस के चल रहे हैं, किदा के जो प्रकॉशन देखते हो भी तुम्हें लेने चाहिए ज रखड़ी के त्यौहार की सोच? सर देखो, प्रकॉशनरी मैजरस तो सबनों ही लेने चाहिए ने। जो पता है त्यौहार के कोई चीज़ आ ही गई है, आपको त्यौहार भी मनाना है तो आ भी चीज़ें लैनी है, तो फिर दोनों चीज़ों ने बराबर चलना चाहिए। सैनिटाइज मास्क हर चीज़ प्रॉपर रखो, दूरी बना के रखो, अपना समान जरूर खरीदो। जड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट है रखड़ी के बाबत तो लैनी लैनी है। रखड़ी केड़े भरानू नहीं बननी तो केड़ी भैन नहीं बननी। केड़ी रखड़ी पसंद की थी? सर इस टाइम तो असी आप पसंद की है, बाकी एक असी होर पसंद की और रख चुके हैं, मैं तुम्हें दिखा दें जो मैं तुम कहने का अपने ब्रदर ली, अपने ब्रदर के बेटे ली, सब दे ली रखड़ी खरीदी है ताकि कोई त्यौहार च अपने वालों कोई कमी पेशी नहीं है। मैं हूँ एप्पल गिफ्ट एंड केक शॉप डंडी स्वामी रोड तो रखड़ियाँ खरीदी हैं। वन ऑफ माई फेवरेट शॉप है, इतों मैं अपनी रखड़ी हर साल खरीदी हूँ। पिछले 3 सालों तो मैं इतों ही खरीद रही हूँ जी। तो बच्चे वास्ते जी कार्टून वगैरह की जितना रखड़ी लोग पसंद करते हैं ज़्यादा, वो क्यों नहीं खरीदी जी? सर कार्टून वाली रखड़ी मेरी बेटी खरीदेगी ना, इस करके मैं अपने तरफ तो उनके लिए 2 ब्रेसलेट जरूर खरीदे, मैंने बहुत पसंद आए ने, बहुत फैंसी ने, तो मैं क्या हफ्ते बहुत फबूगी करके। त्यौहार का फर्क तो बहुत ज़्यादा पिया है जी, इतने बाजार के रौनक घट गई अगे नो पिछले साल नो, करोना करके सारा तो ज़्यादा मार सानू पै रही है रखड़ी वाले तो। जो असी माल लिया हो वो माल साडा सेल नहीं हो रहा, लोग घरों नहीं बाहर निकल रहे। प्रशासन तो की मंग करते? प्रशासन तो असं यही मंग करते हैं जी कि साढ़े जिन्हू 8 बजे का जो टाइम है उन्होंने सिर्फ 2 घंटे होर वधाता जाए, 10 बजे तक करता जाए। उस तो बाद जिहड़ा संडे का इन्होंने बंद किया हो बंद नूं खोल देन, 2 संडे दे देन सानू, सिर्फ एक कल वाला संडे एक अगला संडे जिहड़ा 2 तरीक नूं आना जी। जे आ 2 संडे सानू दे देणगे साडा भी माल विक जाएगा, असीं रखड़ी दे इन्ना पैसा ला के बैठे हुए हैं पर लोग घरों बाहर नहीं निकल रहे। ते लोकां नूं की अपील है? लोगों को असीं अपील करते हैं जी कि जिद्दां झुंड बना के आते हैं पर झुंड बना के ना आन, पर 2-2 चार-चार करके आन, बाजार दे विच रौनक बनी रहे। जिद्दां गोलगप्पे वाली रेहड़ी दे रौनक लगती सी अगे उदा झुंड बनाते पर वो ना बना, पर इत्थे बाजार दे विच आ के घूमन फिरन थोड़ा बहुत साढ़े को समान खरीदन सानू भी कुछ राहत मिले। हाँ जी सर, किदां दीआं तैयारियां ने रखड़ी नूं लैके? रखड़ी दीआं जी साढ़े वालों पूरीआं तैयारियां ने, लेकिन जो करोना का हालात देख रहे हैं इस करके बाजार चों कुछ रखड़ी की रौनक नज़र नहीं आ रही, तो साढ़े वालों पूरी तैयारी है। पूरा स्टॉक पाया गया नवी फैंसी, पिछले साल उन्होंने ज़्यादा वधिया फैंसी रख रही है, असर ही पाई गई है, लेकिन स्टॉक पिछों भी बहुत लिमिटेड आ रहा, मार्जिन साढ़े घट गए हैं जिते असी 30-35% मार्जिन पर कम करते, 10-15% के मार्जिन पर कम कर रहे हैं। उन्हें भी मतलब कि इन्नी फुटपाथ है नहीं कस्टमर की, अजकल ऑनलाइन भी बहुत कम चल पाया, लोग की कर रहे हैं जिन्होंने रखड़ी भेजनी है ऑनलाइन रखड़ी देखता उतों ही ऑनलाइन उतें ट्रांसफर जा रही, जिस करके दुकानदारों के काम में बहुत ज़्यादा फर्क पै रहा। जिहड़ी चाइनीज़ रखड़ी आ रही थी, चाइनीज़ रखड़ी बंद होना किन्ना खर्च? चाइनीज़ रखड़ी जड़ी वो तो जो पिछे साडे डीलर होंगे मेन जड़े पिछे रखड़ी मैनुफैक्चरिंग करते हैं उन्होंने पिछले साल तो ही तैयारियां शुरू कर दी होंदियां ने रखड़ी दियां, उन्होंने सारा साल पूरी तैयारी की। रखड़ी सिर्फ बच्चे की है जी चाइनीज़ आ रही है, बाकी सारी रखड़ी इंडियन ही बन रही है और इंडियन ही आ रही, सारिया कंपनियां इंडियन ही ने, सिर्फ बच्चे की चाइनीज़ आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਖੜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੋਰੀ ਫਿੱਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 30% ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਸ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਈ ਪੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੋਰੀਅਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ 3-4 ਦਿਨ ਰੱਖੜੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜੋ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਸਰਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਡਰ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਖੜੇ ਹਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ